रेडी दादा, आपका नाम बता देंगे? ब्रिजलाल मंडावी। ये जामनाला विजयपुर अने लगभग दर्जन भर गाँव के लोग आए हैं। क्या चीज के लिए लेके आए हैं, क्या समस्या हो गई है? कल 4 बजे अपने क्षेत्र में बहुत ओलावृष्टि हुआ है भयानक रूप से, जो कि बहुत बड़ा बड़ा है, 1 किलो आधा किलो का तबाही हो गया है वहाँ। क्या क्या क्षति हुआ है? वहाँ धान फसल बोए थे, रबी फसल, वो तो पूरा मिट्टी में मिल गया। बाली के समय आ गया था, गर्भा के समय आ गया था, वो पूरा ख़त्म हो गया। अब वो गल जाएगा, उम्मीद नहीं है धान और होगा इसे करके। और ये तो ये हो गए। और जैसे वन संपदा है, महुआ है, तेंदू है, चार है, ये भी पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि एक आदिवासी बेल्टा होने के नाते एक जीविका का साधन रहा है लघुवन उपज। और जो महुआ होता है ना, वही महुआ को बिन बिन करके अने जीवन चलाते हैं गर्मी में, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, डन, ओके ओके। दादा नाम बताएंगे अपना? बाबूलाल धुरू। कहाँ से? ग्राम फ्लोर था, ग्राम पंचायत बगरूम नाम। क्या आज क्यों आए हो कलेक्टर, क्या समस्या हो गई? कल शाम के 4 बजे से रात तक पानी बहुत ज़ोर से गिरा, इसमें तरा भी गिरा, बड़े बड़े भारी भारी, उसमें खपरा ओपरा पूरा घर पूरा नुकसान हो गए। हमारे यहाँ कोठा है, कोठा गाय गोरू बहुत कम से कम 15-20 टके, वो में सुबह गरवाल ढीला था, देखें तो वो पूरा कोठा में पानी भर गया है। ऐसे ऐसे सब नुकसान हो गए, तो घर पूरी भी क्षति हो गई है, नुकसान के फसल के नुकसान हो इससे हुई, घर मन के भी क्षति। हमारे बकरी में देखा था आती क्षेत्र में मैडम से एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है, और कश्मीर जैसे स्थिति हो गई, वहाँ पे पूरा बर्फबारी हुआ है, और लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ, और मैंने तहसीलदार और SDM से भी चर्चा की है। आज मैं दौरे पे गई रहती, चूँकि आज धमतरी मेरा आना हो गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ, और कल मैं त्वरित वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ की स्थिति की जानकारी लूँगी। और मैंने SDM से भी बात किया है, कहा कि भाई इसकी आनावारी रिपोर्ट बनाइए और उनको तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी भी सोच है। और तहसीलदार और SDM ने भी कहा है कि इसका रिपोर्ट जो है बनाएंगे जरूर, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, अधिकारी काफ़ी जो है निर्वाचन की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो क्या सही आकलन हो पाएगा आपका? देखिए, वो निर्वाचन की ड्यूटी अपनी अलग जगह है, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों का फसल नुकसान हो गया है, लोग गेहूं चना लगाए हैं, धान लगाए हैं, सभी तरह के फसल नुकसान हो रहे हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी है, उनको किसी तरह तो उनको करना पड़ेगा। और निर्वाचन का कार्य ये अलग चीज़ है, और ये भी कार्य, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको तो कोई नहीं जानता, आपत्तिजनक जो वो है, अनावश्यक रूप से हुआ है, बेमौसम बरसात हुई है, तो इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन हुआ है, तो ये SDM की और कलेक्टर की, तहसीलदार की जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा किस क्षति हुई, आपको कुछ जानकारी मिली है? सबसे ज़्यादा तो ये मैडम सिल एरिया में क्षति हुई है ना, उसी एरिया में तो ज़्यादा बर्फबारी हुआ है, और मेरी ब्लॉक अध्यक्ष से रात में ही चर्चा हुई, उन्होंने वीडियो भी मुझे भेजा है, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरा है, पूरा ऐसे तो मैंने कहा, पहले ही कहा ना, कश्मीर जैसी स्थिति हो गई, पूरा बर्फ़ जो है जम गया है, चाहें तो आप लोग को भी वीडियो भेज दूँगी। मैम, जिले के कई क्षेत्रों में कल ओलावृष्टि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, किसानों को क्या इसका मुआवजा? कल ओलावृष्टि से होने वाली फसल क्षति का आकलन पटवारी और REO फील्ड में कर रहे हैं, यदि फसल क्षति का प्रकरण बनेगा तो बिल्कुल किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसका? ये शाम तक रिपोर्ट दे पाऊंगा।